केंद्र सरकार ने की राहुल से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील। केंद्र सरकार ने कहा इस यात्रा में प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से फैल रहा कोरोना, देश हित के लिए यात्रा रोक दे राहुल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल रहा है, यह तर्क केंद्र सरकार ने दिया है और राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की है। बता दें कि अभी दुनिया भर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। चीन में तो इतनी बुरी हालात है कि वहां शमशान भरे हुए हैं, अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने की जगह नहीं है। भारत में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल को लेटर लिखकर गुजारिश की है कि देश में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। वहीं लेटर मिलने के बाद से ही कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगा के गए थे? आखिर अचानक केंद्र सरकार का भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान क्यों गया? बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राहुल गांधी को लिखे लेटर में कहा गया है कि कई सांसदों ने चिंता जाहिर की है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल रहा है। अपील की गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। यात्रा में जो लोग भी शामिल हो रहे हैं सभी ने वैक्सीन जरूर लगवाई हो। उन्होंने लिखा कि इतनी बड़ी यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है, ऐसे में देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए। वहीं सरकार की इस अपील पर कांग्रेस आक्रोशित हो गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है, आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा तरह तरह के सवाल उठा रही है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि क्या चुनाव के समय पीएम मोदी मास्क लगाकर गुजरात गए थे? कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अचानक भारत जोड़ो यात्रा पर इतना ध्यान क्यों जा रहा है। वहीं टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि अभी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कोई भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि राज्य सरकारों पर हावी हो, बल्कि उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। बहरहाल अब देखना होगा कि राहुल यात्रा रोकते हैं या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या केंद्र सरकार राहुल गांधी को टारगेट करना चाहती है? क्या भारत जोड़ो यात्रा का एक राजनीतिक असर देखने को मिल रहा है? इन्हीं सभी सवालों को लेकर के ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।